तो सोलेनोइड का फॉर्मूला एक लॉन्ग सोलेनोइड का, लॉन्ग सोलेनोइड किसे बोलते हैं, लॉन्ग सोलेनोइड का मतलब होता है कि जिसकी लंबाई L बहुत हो, L की वैल्यू बहुत बड़ी हो एज कंपेयर टू इट्स रेडियस। जैसे रेडियस है 1 सेंटीमीटर, लेंथ है 1 मीटर, तो लंबाई बहुत बड़ी है, रेडियस बहुत छोटा है, तो हम ऐसे सोलेनोइड को लॉन्ग सोलेनोइड या इनफाइनाइट सोलेनोइड बोलते हैं। तो ऐसे सोलेनोइड के लिए एक्सिस के ऊपर हमने बी का फॉर्मूला क्या किया था, म्यू नॉट एन आई, वेयर एन वॉज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट। तो अब इसमें ये जो प्रॉब्लम है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फिर से सोलेनोइड में निकालना है ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ सोलेनोइड। एक्सियल पॉइंट का इसके एक्सिस के ऊपर आपको बी निकालना है, पर ये एक फाइनाइट सोलेनोइड है, इनफाइनाइट नहीं है, ये लंबा नहीं है, ये फाइनाइट है, इसकी लेंथ छोटी है, रेडियस बड़ा है, तो आप वो फॉर्मूला इस पे लगा नहीं पाएंगे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। आपको क्या करना पड़ेगा, इस सोलेनोइड को सॉल्व करना पड़ेगा, और ये मैंने जो सॉल्विंग की है ये बाइट सर्वेट लॉ से की है, जबकि हमने सोलेनोइड का एक्सप्रेशन किसमें किया था, एम्पियर सर्किट लॉ में, फटाफट बी का आंसर आ गया था, लेकिन इन उसमें प्रॉब्लम क्या थी, वो इनफाइनाइट सोलेनोइड के लिए वैलिड था। अगर फाइनाइट आता है तो सोचो ये डॉट है, डॉट का मतलब इसमें करंट, ये सोलेनोइड की वायर्स को हटा दिया, करंट आ रहा है और इसमें एंटर कर रहा है, फिर पीछे से करंट आ रहा है इसमें एंटर कर रहा है, करंट आ रहा है इसमें एंटर कर रहा है, करंट आ रहा है एंटर कर रहा है, करंट आ रहा है एंटर कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो पूरा तारों का जाल हटा दिया। तो इसके एक्सिस के ऊपर आपको बी निकालना है, तो ये डेरिवेशन आपकी नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख लें प्लीज, पहले तो नॉट फॉर एनसीईआरटी इसको नहीं लिखना आपने, और ना ही आपको इसको करना है पेपर से पहले, और कंपटीशन के अंदर भी इसका प्रूफ नहीं आएगा, प्रूफ तो आता ही नहीं है, हालांकि कोई करना चाहे तो मैंने शायद मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, देख सकता है, देखने की जरूरत भी नहीं है, सच बताऊँ आता ही नहीं है, पर अगर हम इसको बाइट सबर्ट लॉ से करें तो एक छोटा एलिमेंट डी बी करेगा, फिर इंटीग्रेशन से आंसर आएगा। आप प्लीज सीधा फॉर्मूला नोट करें, ये फॉर्मूला बुकलेट में फॉर्मूला नोट करें, ये डायग्राम बनाएं, ये एक सोलेनोइड है, ये इसका एक्सिस है, इसके अंदर सपोज ये वो पॉइंट है जहां पर आपको बी निकालना है, सोलेनोइड के एक तरफ से इसने एंगल बीटा बनाया और एक एंगल इसने अल्फा बनाया, सोलेनोइड के एक एंड से अल्फा एंगल है, एक एंड से बीटा एंगल है, तो बी का फॉर्मूला इसके इक्वल है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई एन इनटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। ठीक, इस फॉर्मूले को नोट कर लें प्लीज। In 2 पाई in ऐसे, ठीक है, तो ये डायग्राम ये रहा ऊपर डायग्राम है, सारा मत ड्रॉ करना, ये वर्टिकल के साथ एक एंड का एंगल बीटा और एक एंड का एंगल अल्फा, तो ये फॉर्मूला आपने नोट करना है। इसमें स्पेशल केस है, अगर ये सोलेनोइड इनफाइनाइट लेंथ का है, लंबा है, तो अल्फा और बीटा दोनों के दोनों क्या पुट किए जाएंगे, पाई बाई टू, तो पाई बाय टू पुट करके देखो वही आंसर आ गया, म्यू नॉट एन आई, तो इनफाइनाइट सोलेनोइड का म्यू नॉट एन आई, स्पेशल केस बना दिया इसका, और ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। इसके बाद और भी केस हैं, जैसे अगर मान लो आपको बिल्कुल कॉर्नर पे निकालना है, बी की वैल्यू बिल्कुल साइड पे निकालनी है, तो एक एंगल क्या बनेगा, अल्फा इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्या बनेगा, बीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू, तो अल्फा जीरो बीटा पाई बाय टू, आपके पास आंसर आएगा म्यू नॉट एन आई बाय टू, ये हमने फॉर्मूला लास्ट टाइम किया भी था, तो सिर्फ फॉर्मूला से काम चल जाएगा।